Oh, finally, it's ready. Oh. You caught it? Salt? Okay. Try it. Salt, okay. तो ये बैग पोटैटोज़ ही आग में तैयार होते हैं और छिलका इनका जल जाता है, अंदर से ही पक जाते हैं, तो हम इसमें नमक डाल के इसको खाते हैं। तो बहुत टेस्टी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और पहाड़ों में आपको इससे अच्छी चीज़ मिल नहीं सकती। बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। लेट्स टॉक टू माई फ्रेंड शीमा, शी केम ऑल द वे फ्राम ईरान आफ्टर टू वीक्स जर्नी इन पाकिस्तान and seeing the kindness of these people, Pakistani people. We're really enjoying our day in Pakistan mountains, in rainforest. We don't have such a forest in Iran, and that's a completely different experience we had, and enjoying these lovely people, they're really kind, helpful, and lovely. Okay. We're really enjoying most of our time spending with local people in villages. They're really great kind of people. You can nowhere find them but in Pakistan. And next to that, the nature, beautiful jungles, beautiful sceneries, the snow and greenery views together at the same time, and waterfalls, many rivers, plenty of fresh water everywhere, and high mountains covered by snow, great views. You can never find these. Have you learned any Urdu? That's too hard, but a few words like acha acha, I don't know the meaning yet. Okay. Or I don't know, some of them are similar to Farsi. Yeah. Allah Hafiz, Salaamu Alaikum, Assalamu Alaikum. Just this, that's too hard. For me, interesting thing in Pakistan definitely are people. Okay. Because the nature, not exactly similar, but in Iran we have something like this, and we can be something like this, but people are really different, not really different, yes, because we Iranian people are famous in the world by their hospitality, but we have experienced something different from that. People are really kind, really hospitable, really helpful, and awesome. In this place, really, in this area, I like a mix of greenery, of mix of green and white, green and white, yeah, a mix of sun and snow, yeah, mix of it's very elegant, snow and river, everything is great here. मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो हमारे सामने मंजर है वो आपको कैमरा में तो दिखाएंगे, लेकिन वो मंजर इतना शानदार है क्योंकि ये मार्च का एंड चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो बाहर तो आ चुकी है बट बर्फ़बारी भी है, तो यहाँ पे आपको ब्लेंड मिलता है, ग्रीन का और वाइट का ब्लेंड मिलता है, साथ ही दरिया भी है और दरिया अपने पूरे जोबन पे है, बड़ा तेज़ है दरिया, तो एक मिक्सचर सा मिलता है, आसमान भी बीच में सनी हो जाता है और क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत सा इम्तिजाज बनता है। आप लोगों की देसी यहाँ पे खुराक क्या क्या होती है, आप क्या क्या खाते हैं, मुझे वो कुल्हाड़ा और पकौड़ा और उन चीज़ों के बारे में भी बताएं। ये दूध होता है, दही होती है, होता है लस्सी होती है। अच्छा, तो वो खिलाड़ी बोलते हैं उसको, वो भी निकालते हैं वो लोग दूध से, तो लस्सी से। अच्छा, तो भंगोड़ा निकालते हैं लस्सी से। कलाड़ी एक रोटी होती है, रोटी की तरह होती है, यानी लस्सी से बनती है, लस्सी से और दूध से बनती है। लस्सी और दूध से बनती है एक रोटी, उसको कलाड़ी की हो तो गाय का दूध हो, ओके, तो उससे वो बनती है। तो ये भी बड़ा फैक्ट है जी, कलाड़ी एक तरह की रोटी होती है जो भैंस का दूध होता है, नहीं भैंस का दूध होता है, हाँ भैंस का दूध होता है और गाय की लस्सी होती है, उनको मिला के कुल्हाड़ी बनती है, उसका पाउडर सा होता है और उसकी रोटी बनाते हैं और ये उसको खाते हैं और उसको खाते हैं और ये जब पहाड़ों पे सफ़र करते हैं तो वो उसके हम लोगों को गिफ्ट दे देते हैं। या, या। ये हम लोगों को सैलानी लोग को जो है सैलानी लोगों को ये तोहफे के तौर पे भी वो दी जाती है क्योंकि वो हमारे शहरों में नहीं होती, तो एक तरह से आप इसको चीज़ की रोटी कह सकते हैं, लस्सी की रोटी कह सकते हैं, लस्सी की रोटी कह सकते हैं। अच्छा, कुल्हाड़ी तो ये होगी, पकौड़ा क्या होता है?
भंगोड़ा लस्सी से निकालते हैं, वो उसको बनते भी हैं, उसका सालन भी बनाते हैं, उसको मीठा भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, खालस जो है ठीक है, तो उसकी तरकारी भी बनाते हैं। अच्छा, भंगोड़े में मैंने सुना था कुछ नमक का हिसाब होता है कि आप जब जितना ज़्यादा भंगोड़ा खाते हैं आपको नमक जितना ज़्यादा लें वो आप नमक खा सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ इस तरह होता है ना। हाँ इसी तरह होता है। असल में मैंने ये सुना है कि मेरे कज़न ने मुझे बताया था कि भंगोड़ा जो होता है वो जितना आप कंज्यूम करते हैं उसके बाद आप नमक जितना लें आपकी बॉडी रिसीव कर सकती है सोडियम को। तो पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं नमकियात कम हो जाती हैं, तो आप जितना नमक खाते हैं आप चढ़ते जाते हैं। तो भंगोड़ा एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है पहाड़ों पर सफ़र करने के लिए। सफ़र करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिल्कुल, ऐंच क्या होती है जी? ऐंच भी दूध से तो लस्सी से बनती है। दूध और लस्सी से बनती है। ये रोटी होती है सालन? रोटी होती है। रोटी होती है ऐंच, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ऐंच है, ऐंच दूध और लस्सी से बनती है, एक तरह की रोटी होती है वो भी। और देसी घी में भून के खाते हैं उसको। अच्छा, तल कर। अच्छा अच्छा, तो हमें यहाँ पे मिल सकता है देखने के लिए ये चीज़ें? अभी तो नहीं मिलता। अच्छा, अभी इस सीज़न में नहीं होगा? इस सीज़न में नहीं होगा, गर्मियों में। जब आप ईद के बाद आओगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं वो निकाल के दे दूँगा किसी से। ठीक है। और गुच्छी के बारे में बताएं? गुच्छियों का बस अभी जो है ना तकरीबन 10-12 दिन के बाद लग जाएगा। लग जाएगा जी। गुच्छी तो फिर ये लोग उसे चुनेंगे, ठीक है, तो फिर उसको बेचेंगे, मजदूरी करेंगे। अच्छा, उसका पैसा जमा करेंगे। ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में पहाड़ी पर चले जाएँगे तो फिर उन पैसों को जो है देते हैं तो अपने खाने के लिए सौदा मौदा लाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गुच्छी है, एक तरह का मशरूम होता है, मशरूम की एक काइंड है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है। अभी बहार के बाद वो उगना शुरू होती है, मकामी लोग उसको जमा करते हैं और फिर मार्केट में जाके बेच देते हैं। और ये काफ़ी महंगी होती है मेरे ख्याल में। किस तरह किलो होती है? तकरीबन 24-25 हज़ार में किलो। 24-25 हज़ार रुपये किलो होती है। और ये मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, खानों में भी यूज़ होती है और मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होती है। बड़ी डिफरेंट सी चीज़ होती है। तो इनके इलाके में सबसे बड़ा मसला ये है कि अकोमोडेशन नहीं है, यानी होटल्स नहीं है, यहाँ पे रोड्स नहीं है। तो यहाँ पे अभी वही लोग आ सकते हैं जो अपना कैंप करें या किसी लोकल को जानते हों। जी बिल्कुल, वो लोग आ सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक रोड की मंजूरी है, अब पता नहीं वो कब तक बन जाए। तो मकामी लोग भी कोशिश कर रहे हैं और होपफुली जल्दी बन जाएगा। लेकिन आपको हाइकिंग करके आने का अपना मज़ा है। आपको आप जब गाड़ी पे बैठेंगे यहाँ तक पहुँचाएँगे डेफिनेटली एक अच्छा ट्रिप होता है। लेकिन जब आप मुश्किलों से आएंगे और क्योंकि अभी ये वैली इतनी एक्सपोज्ड नहीं है तो ये बहुत साफ़ सुथरा लैंडस्केप है। जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो कचरा भी आ जाता है, गंद भी आ जाता है, लोग ख़राब भी करते हैं ना। ख़राब भी। तो यह है कि आप लोग आएँ, हाइकिंग करके आएँ। मैं रिकमेंड करूँगा हाइकिंग करके आएँ। कोई इतनी मुश्किल हाइकिंग नहीं है और इतनी ज़्यादा चढ़ाइयाँ भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। और दरिया के साथ साथ आप दरियाए सिरन फॉलो करें, आप यहाँ पहुँचाते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ज़रूर आएँ, यहाँ पे कैंप करें और यहाँ से आगे आप बहुत चीज़ें बहुत जगह देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। एक और बात यहाँ पे कहनी ज़रूरी मुझे लगी और वो ये कि जब भी यहाँ पे आप पहाड़ों में आएँ अपना कचरा साथ वापस लेके जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि गंद मचा देते हैं, तो ख्याल करना चाहिए। तो दरिया हमारे बैठे बैठे ज़्यादा हो गया है और अभी हमें डर है कि पुल वुल ना टूट जाए तो फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम निकलते हैं यहाँ से। There's nobody that can read my soul, no. There's nobody but you. I tell you now, I'm not ready to be gone from sight. No, I'm not ready to be on my way. You got a real shot. आते हुए पानी दरिया में कम था, जाते हुए बहुत ज़्यादा हो गया है और पुल भी डूबने वाला है। बड़ी मुश्किलों से हम पार करने लगे हैं इसको, देखते हैं पार होता है कि नहीं। और जी, दरिया पार आखिरकार हो गया, बड़ी मुश्किलों से हुआ। जूते हमारे बुरी तरह भीग गए हैं और अब वापसी करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी, तो दैट्स इट, अभी हम यहाँ से जाते हैं। हमारे पास वक्त कम है, हमने काफ़ी पूरा दिन अब हाइकिंग करनी है, वॉक करनी है। तो ये था सब कुछ, आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। आपको पसंद आया तो भी बताइए, नहीं पसंद आया तो भी बताइए। और
देखते रहिए इंशाल्लाह होपफुली जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में होगी मुलाकात अल्लाह हाफिज़